उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान के आदेश से यूपी के कई वर्गों में हड़कंप है। कई लड़कियों ने इस अजब गजब फरमान पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। हालांकि डॉक्टर बबीता ने इसे महिलाओं की सुरक्षा के साथ रोजगार से जोड़ने की बात भी कही। कई युवतियों ने यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान के आदेश की खुलकर सराहना भी की है। वहीं कुछ इसे एक वर्ग के साथ असमानता का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। यूपी राज्य महिला आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा सिर्फ यूपी ही नहीं कई अन्य राज्यों में भी हो रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में अब पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों के नाप नहीं ले सकेंगे। यूपी महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का नाप पुरुषों के बजाय महिलाओं द्वारा लिया जाएगा। जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्लर में लड़कियों के ड्रेसअप के लिए महिला होनी चाहिए। विशेष कपड़ा बेचने वाले स्टोर में भी महिलाएं होनी चाहिए। इसके लिए 28 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई थी। बैठक में इससे जुड़ा फैसला लिया गया है। अब आयोग ने सभी जिलों के डीएम कमिश्नर और एसपी को आदेश लागू करने के लिए कहा है। मेरी ये कहना है कि वहाँ ऑप्शन के रूप में भी जरूर होना चाहिए और नौकरी के रूप में भी जरूर होना चाहिए। अगर मैं 50% की बात करूँ तो 50% में भी अगर रखेंगे तो आधी लड़कियां रखना चाहिए, आधे लड़के रखने चाहिए। यही कहूंगी कि मैं पार्लर की बात करूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नौकरी के हिसाब से भी, और यही बात मैं करूंगी जो बुटीक है। बुटीक पे तो मैं नौकरी के हिसाब से भी बात करती हूँ और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करती हूँ। मेजरमेंट के लिए वहां लड़की रह सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, दूसरा जो कपड़े सिलवाने आ रही हैं उनको भी एक कंफर्टेबल जोन मिलेगा। महिला आयोग के आदेश की बड़ी बातें, जिम योगा सेंटर में आने वालों की आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन हो, स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी या टीचर तैनात हो, पुरुष टेलर महिलाओं का माप नहीं ले सकते, माप के लिए सीसीटीवी जरूरी, महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति हो, जिले की सभी शिक्षण संस्थान का सत्यापन जरूरी, कोचिंग सेंटर्स में सीसीटीवी और वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर की नियुक्ति अनिवार्य हो। टेलर हो गई, महिला पार्लर तो है, ये है महिला जो है जिम अगर खुल गया तो ये हम लोग के लिए जैसे जो गार्जियन है माँ बाप के लिए भी अच्छा है, बच्चों को अपने भेजने के लिए। अगर हम ये कहें कि हर जगह एक ही टेलर होना चाहिए, अगर वुमेन जा रही है तो वुमेन ही टेलर हो, तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है डिस्पैरिटी हम सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हैं। टेलर बन रही है सिर्फ, या फिर अगर ट्रेनर बन रही है जिम में तो वो भी कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम मैन कर सकते हैं वो वुमेन भी कर सकती है। आप कहीं भी जाओगे मेल्स आपको मिलेंगी, ये आपकी चॉइस है कि आप कंफर्टेबल नहीं, वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना रहेगा वहाँ पर, तो मैं तो इसे सहमत नहीं हूँ। हाल ही में कानपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसमें जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर दी। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें तलाक तक की नौबत आ गई। जिम में महिलाएं ट्रेनर होंगी तो महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों के माप के दौरान बैड टच करते हैं, ऐसी शिकायतें महिला आयोग को मिलती रही है। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार क्या दिशा निर्देश उस पर जारी करती है, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष ने अपने निर्देश जारी कर दिए हैं और ये निर्देश जो है अब कब हम लियामा पाते हैं ये समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि निर्देशों को जो है हलचल मची हुई है और महिलाओं में इसको लेकर के खासी कोई राहत महसूस की जा रही है। कर्ण प्रसन्न आशीष के साथ टीएन मिश्रा, INH लखनऊ।